बार तो आज सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ गए हैं, उठ के फ्रेश हो चुके हैं, सब स्नान कर लिया है, सब अपना कपड़ा पैकिंग कर रहे हैं। देखिए ओगर महाराज कर रहे हैं पैकिंग, और सब लोग अब निकलेंगे स्टेशन की ओर। 8:15 में गाड़ी है जनकपुर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद हम लोग आउट ऑफ कंट्री हो जाएंगे। सो मिलते हैं जा रहे ट्रेन पकड़ने के लिए। हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन की तरफ, सब टीम साथ में है और ये रास्ते में है पहुंचने वाले स्टेशन। ये रहा नज़ारा, बस किसी देर में स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर वहां से जनकपुर के लिए गाड़ी पकड़ लेंगे। और ये जयनगर स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और बताइए रेलवे का हाल, ट्रेन का टाइम हो चुका है और टिकट काउंटर पर कोई है ही नहीं, तो टिकट कैसे कटवाया जाए बाद में बोलेंगे। बिना टिकट ट्रैवल कर रहा, हाँ हाँ ना है टिकट काउंटर पर कोई, फिर टिकट कहना ले लो। ये हमारे भाई साहब, देखिए टिकट काउंटर में कोई है ही नहीं, पूरा सीट खाली है। ये तो कैसे टिकट कटवाएंगे, विदाउट टिकट जाना पड़ेगा, फिर फाइन भरना पड़ेगा। इन लोगों की लापरवाही से हम लोग को फाइन। नेपाली आती कहाँ पे? जनकपुर के लिए, टिकट भी हो भाई। अब टिकट काउंटर खुला ही नहीं हुआ है तो क्या हम लोग नहीं जाए? इसमें मेरी क्या गलती है भाई, अब काउंटर खोल के ही नहीं रखते हैं तो क्या करें। फिर भी ट्रेन का टाइम हो गया, हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेन पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है भाई, एसी बोगी भी है, खत्म बोगी खत्म। यहाँ पे टिकट कट रही है तो भाई लोग यहाँ से टिकट लेंगे। चलो आज विदाउट टिकट सफ़र नहीं करना है भाई लोग, टिकट ले लो। आखिरी टिकट मिल गया, 70 रुपये की एक टिकट है भाई, इतना कॉस्टली टिकट इंडिया से नेपाल के लिए। अब चलते हैं बैठने के लिए, तो ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन अब खुलने वाली है। 8:00 की टाइम, 8:12 हो चुकी है, 2 मिनट में ट्रेन खुलेगी तो हम लोग जाते हैं ट्रेन बैठने के लिए। गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने मिल के जो ट्रेन बनाया है, ये है पूरा ट्रेन, नेपाली ट्रेन। जयनगर से बस यहीं से मिलती है जाने के लिए, बट बस नहीं पकड़ेंगे, बस बॉर्डर पे ही छोड़ देता है, इसीलिए बस नहीं पकड़ेंगे। वाली ट्रेन की सबसे खास चीज ये है कि आप टिकट लेके नहीं बैठ रहे हैं तो आपकी टिकट बॉगी में ही कट जाएगी, और ये नेपाली रेलवे अनाउंसमेंट करके टिकट कटवाती है। अभी 3 लोग नहीं चढ़े थे, बिना टिकट को ढूंढा जा रहा है कहाँ है भाई को टिकट काटने के लिए। और TDB फॉर्मल ड्रेस में ही रहते हैं जो टिकट लेके चलते हैं, टिकट काटते हैं, ऑफलाइन टिकट भी कट सकता है। जैसे कि बहुत बढ़िया चीज़ है ये रेलवे में, आप अगर इमरजेंसी में चढ़ जाते हैं विदाउट टिकट तो टिकट कटवा सकते हैं। डॉग आ जाता है आगे में जिसके कारण ट्रेन रुक जाती है, देखिए। और हमारे यहाँ तो इंसान भी आ जाए फिर भी ट्रेन चलती ही रहती है। वाओ, पहले जमाने की ट्रेन यहाँ चल रही है, कोयला वाली ट्रेन, नेपाली ट्रेन। जनकपुर रेलवे पहली ट्रेन चलते रह रहे, ट्रेन चलते
ऐसे इंजन होते थे। काफी ज्यादा भीड़ है ट्रेन में चढ़ने के लिए, लोग नेपाल में उतर चुके हैं। जनकपुर स्टेशन आ चुके हैं। जनकपुर धाम में आपका स्वागत है। जनकपुर धाम उतर चुके हैं। मेरा बाल भी पूरा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। और जा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी वो तो बाहर जाने के बाद पता चलेगा। तो जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन। और ये बैक करना चाह बस यहीं तक का ट्रेन जयनगर से यहाँ तक। जनकपुर बाजार का दृश्य। ये पूरा जनकपुर बाजार है। फाइनली गाइस हम जानकी मंदिर पहुंच चुके हैं। तो और आपको दिखाएंगे जानकी मंदिर का दृश्य। ये बाजार है और हम आपको दिखाने वाले हैं जानकी मंदिर का दृश्य। ये देखिए जानकी मंदिर जनकपुर। हम लोग पहुंच गए हैं अंदर की ओर जाएंगे। ये सारा बाजार है। ये जानकी मंदिर। तो अंदर की ओर जाएंगे। All right.